बच्चियां नु मतलब आपके सामने एक धार्मिक प्रस्तुति करने जाएंगे। बोवी बोवी नियत है कि नाम जपन को तेनु जीवा दीती। क्या बात है। अते हरि दर्शन को अकी पास लांग गया जपन को तेनु जीवा दीती। मास्टर अते हरि दर्शन को अकी बाल फोड़ दे श्वास अनमोलक तेरा लखी 24,000 तेनु खर्च रोज दा हो पर आमदन मूल ना थीवे हो जिस बंदे नु इतना खर्चा वो बंदा किदा जीवे। ये जो मानव जन्म है अभी 84 लाख ये जून भुगत के प्राप्त होता है जय हो। तो इस जीवन में आगे हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो बंदगी करनी चाहिए उस परमात्मा। पाओ चाल लो आन लागना जेठा चुप जाना रहना गुरु मुर्शिद की जीते वादे रिकॉर्ड हो गई इष्ट की। तो इस जन्म में हमें क्या पुण्य कमाने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो हमारा श्वास है 24 घंटे चलते हैं थोड़ी तो इसमें ये सरलाद है शेर में चलो वो जा रहा मनु के नाम जपन को तेनु जीवा दीती। कि हमें नाम शब्द जो हमें गुरु मुर्शिद अपने हमारे गुरु बख्शते हैं तो ये जो हमें जुबान दी है जीवा दी है उस परमात्मा का नाम लेने के लिए अपने गुरु मुर्शिद और इष्ट का नाम जपने के लिए दी है। लेकिन नाम जपन को तेनु जीवा दीती अते हरि दर्शन को अखी। ये आंखें जो है हमारी उस परमात्मा के दर्शनों को प्राप्त करने के लिए दी है। नाम जपन को तेनु जीवा दीती अते हरि दर्शन को अखी। एक एक श्वास अनमोलक तेरा वो जेड़ा हथ ना आवे लखी। हमारी एक एक जो सांस है वो बहुत ही अमूल्यवान है। ये वापस जो निकल गए श्वास जो सांस हमारे जा रहे हैं वो वापस नहीं आएंगे। चल के एक एक श्वास बेटा पर जा बता लो अनमोलक तेरा वो जेड़ा हथ ना आवे लखी। लखी 24,000 तेनु खर्च रोज रहा वो कौन सा खर्चा है। 24,000 तेनु खर्च रोज दा हम एक दिन में 24,000 श्वास लेते हैं सांस लेते हैं। 24,000 तेनु खर्च रोज दा ये हमारा खर्चा है। ये हो ये वापस नहीं लेगा हमें। ये जो जा रहा है वो वापस नहीं आएगा। ये श्वास तो लिखे हुए हैं 24,000 तेनु खर्च रोज दा हो पर आमदन मूल ना हो जिस बंदे नु इतना खर्चा साया है वो बंदा किदा जीवे। जिस इंसान को 24,000 रोज खर्चा हो रहा है और आमदनी कोई भी नहीं है तो हम कैसे जी सके। तो क्या लिखा है प्रभु ने और हमारे मास्टर लूकचंद जी की सूफियाना कलम उनके शब्दों में लिखा है कि इस जीवन में आगे हमें क्या करना चाहिए कि चंगे कम कर बंदिया।